हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज घर आए हुए मुझे ना 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज हमारे घर में है पार्थिव पूजा, तो आज उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ। सभी लोग तैयार होकर चले गए हैं, मैं भी थोड़ा सा लेट में गए जा रही हूँ क्योंकि मैं मीनू को भी तैयार किया और यहाँ पे कुछ काम थे, तो सारे निपटा के अभी जा रही हूँ पार। और फिर मैं आप लोग को मौसम दिखाती हूँ आज कैसा हो रहा है करके। आज आप लोग ना मेरा फर्स्ट इनकी ऑपरेशन के बाद आप मेरा वॉइस सुन रहे हो ऐसे सामने में, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बोल पा रही हूँ, ना ही ज़्यादा तेज आवाज में नहीं बोल पा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम होगा, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और अभी ये देखिए बाल है तो इनको बाहर ही फेंकेंगे, तो अभी चले चलते हैं। मौसम भी दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा हो रहा है करके। तो सभी लोग तैयार होकर ना चले गए हैं, मेरी ही बारी है तो चले। तो फ्रेंड्स ये रही चंदू, दिखाती हूँ चंदू को। चंदू कहाँ जा रहे हैं ये देखिए, ये है चंदू। और मैं दिखाती हूँ पूजा को और सागर को, ये देखिए ये है पूजा और सागर, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, भाई बहनी है तो दिखेंगे इसमें। और तो गाइस इससे पहले मैं पार गई थी, तो अभी ये ना नंदमा आंटी का पहनने के लिए बोल दिया है, तो अभी नंदमा आंटी का और ये हमारी पहाड़ी पिछौड़ी इसको मैंने वेयर कर दिया है। तो अभी जा रहे हैं पार, वहाँ पे पूजा है तो अभी हमें पूजा में ही बैठना है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा मीनू का क्लिप दिखाया, पापा भी आए थे कल, मम्मी आई हुई थी तो मम्मी से बोलती थी रोज, फिर और हमारे घर में कोई है भी नहीं, मम्मी और पापा ही हैं, बाकी सभी लोग हल्द्वानी हैं जैसे आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं है तो बता दिया है। तो घर में कोई था नहीं तो इससे मम्मी नहीं आई है, बाकी सभी लोग आए हुए हैं अभी, मतलब परिवार वाले ही आए हैं। इस बारी थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई थी तो घर वाले बोलते इस बारी थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो फिर बाकी बाद में देखेंगे, कभी और पूजा पाठ होगी तो उस टाइम पे और लोगों को बुलाएंगे, लेकिन अभी देखते हैं, चले चलते हैं। तो गाइस अभी ना शाम हो गई है, दिन में पूजा पाठ करते टाइम ना बहुत ज्यादा हम लोग बिजी थे, तो बताऊँ हमारे पे 3 बजे के करीबन हमारी आरती कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर खाना वाना सभी लोगों ने खाना खाया और हम भी बहुत थके थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमारा फास्ता जैसे जो आरती में बैठते हैं उनको ना खाना कुछ नहीं होता है। और ये देखिए उनको चूल्हे के यहाँ पे बैठे हैं, अभी शाम हो चुकी है, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे मेरी वॉइस ना थोड़ा कम आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला।